के बाद एक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन ने कल देर रात एक निर्देश जारी किया है, कोई भी अब बिना फालतू घर के बाहर नहीं निकलेगा। जो एक छूट दी गई थी उसको भी साफ मना कर दिया गया है। इसका जीता जाता उदाहरण आप दे सकते हैं कि जुवेर नगर के जूही गौशाले में, जहाँ पे फालतू निकलने वाले लोगों को साफ हिदायत दे दी गई है कि कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सुबह का वक्त है, आप दे सकते हैं, जो लोग भी बेवजह बाहर निकले हैं उनको यहाँ पे बैठाला गया है दूर दूर, और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और चौराहे की हम लोग बात कर रहे हैं, चौराहे पे चारों तरफ पुलिस जमावड़ा लगा हुआ है, जहाँ पे पुलिस लोगों को रोक के पूछताछ कर रही है। जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर तो IPC धारा 100 कार्रवाई भी कर रही है और दंड भी दे रही है। और जो लोग जरूरत के सामान के लिए निकल रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे बात करी जाए, यदि हम लोग अपने एक चौकी इंचार्ज साहब खड़े, हम लोग इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे प्रकार से इन लोग यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सुबह वक्त है, किस प्रकार से लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग बैठे ये कौन है? ये लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, झुंड लगा के घूम रहे हैं और कोई भी ये पालन करने को तैयार नहीं, इसलिए इनको बैठाया गया। लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा इनसे। किस तरीके इनको दंडित किया जाएगा? अभी बैठा लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद कुछ न कुछ दफा 34 या कुछ न कुछ करके पुलिस एक्ट की कार्रवाई की जाएगी इन पर। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये सुबह झुंड लगा कर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ बैठाया गया है, इनको दंडित किया जाएगा, उसके बाद इनको छोड़ा जाएगा। केनूज भी आपसे अपील कर रहा है, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन करें। मधुर मोहन दुबे।